आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज़ में और मैं हूँ आंचल मिस्कीन। चलिए आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी रिपोर्ट फिर एक बार डॉक्टर के थ्रू किए गए एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के बारे में है और एक 2 साल की बच्ची की जिंदगी जो खतरे में थी उसके बारे में है। दोस्तों, बच्चा जब पैदा होता है तो हर माँ बाप की यही दुआ रहती है कि उसका बच्चा सेफली और हेल्दी पैदा हो, और जब बच्चा किसी जानलेवा बीमारी के साथ पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स पर किस तरह परेशानी का पहाड़ टूट पड़ता है वो वही जानते हैं। हर पल वो इसी डर में जीते हैं कि कहीं इनके बच्चे को कुछ हो ना जाए, और इस दुख के समय पे ऊपर वाले के अलावा जिसको उस बच्चे के पेरेंट्स याद करते हैं वो है डॉक्टर। धरती पर डॉक्टर को ऊपर वाले का दर्जा दिया जाता है क्योंकि यही वो लोग हैं जो इंसान को मौत के मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसा ही कुछ कारनामा डॉक्टर सईद मकबूल और इनकी टीम ने कर दिखाया। कुछ दिन पहले जम्मू में स्थित अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एक रेयर और कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी परफॉर्म की। ये सर्जरी एक 2 साल के बच्चे पे की गई। दोस्तों, 2 साल का बच्चा क्या होता है, नन्ही सी जान होती है, और इसी बच्ची पे ये सर्जरी परफॉर्म की गई। इसी के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमने बात की डॉक्टर सईद से। चलिए सुनते हैं कि डॉक्टर सईद का इस पर क्या कहना है। थी ये एक 2 साल की बच्ची है जिसको जन्म से ही हार्ट में होल था। इस होल को हम लोग वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। नीचे जो बड़े चैम्बर्स होते हैं उनके दरमियान एक पार्टीशन होता है, उसी पार्टीशन में होल था। तो इसकी जो 8 महीने की जब थी, इसकी सर्जरी PGI चंडीगढ़ में हुई थी, उस होल को उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी से बंद किया था। इट्स अ रेयर कॉम्प्लिकेशन। कुछ बच्चों को ये हार्ट का होल जब बंद करते हैं हम ओपन हार्ट सर्जरी करके, उनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है जिससे उनकी धड़कन बहुत कम हो जाती है और अक्सर जो है वो पेसमेकर की जरूरत पड़ती है। ये जो कॉम्प्लिकेशन है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक पोस्ट VSD सर्जरी, ये 0.7% है इसकी इंसिडेंस। तो इंसिडेंस बहुत लो है, लेकिन ये अर्ली भी हो सकती है, किसी किसी बच्चे को इमिजिएटली होता है और कई बच्चे रिकवर भी हो जाते हैं इससे, लेकिन कुछ बच्चों को डिलेड बहुत सारे महीनों के बाद, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या इवन 18 महीने के बाद भी हो सकता है। तो ये जो बच्ची थी ये हमारे पास आई, इसको रिकरेंट कार्डियक अरेस्ट, बिल्कुल बेहोश हो जाती, गिर जाती थी। कम से कम इसको पिछले 1 महीने से ये 8-10 बार इसको ये एपिसोड हुए थे। तो हमारे पास जब आई, इनफैक्ट ये उस वक्त भी इसकी हार्ट रेट जो है 20 चल रही थी, 20 से 25, जो कि अगर आप इस तरह देखें इनकम्पैटिबल विथ लाइफ है। बच्चे थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, बड़ा तो नहीं बर्दाश्त कर पाता। तो हमने इसको इमिजिएटली जो है अंदर लिया, इसको टेम्प्रेरी पेसमेकर डाला, और टेम्प्रेरी पेसमेकर डालने के सिर्फ क्योंकि बच्चा था ये हिल जाती, ये रुकती नहीं। आपको पता, बड़े को डालते हैं तो उसको हम समझा सकते हैं, भैया आपको टांग नहीं हिलानी है, आपको बिल्कुल लेट के रहना है, लेकिन 2 साल की बच्ची को आप क्या बताएंगे, बहुत मुश्किल होता है उसको कुछ भी समझाना। तो हमने इमिजिएटली जो है वो परमानेंट पेसमेकर की तैयारी की और 1 घंटे में हमने ये सारा कर लिया। एडमिशन के 1 घंटे में हमने इसको पेसमेकर डाल दिया, जिसमें 20 मिनट लग गए हमारे। तो छोटी बच्ची थी, इसको एनेस्थीसिया की जरूरत थी, हमारी जो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर रश्मीत कौर थी उन्होंने बहुत काफी मदद की हमारी बच्चे को प्रोसीजर के दौरान सेडेट करने में, और बिल्कुल ठीक ठाक। इसमें ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एडल्ट्स के कंपैरिजन में। एडल्ट्स में जब हम पेसमेकर डालते हैं, पेसमेकर आजकल देखिए अब इतना जो एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनके हाथ में बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है एडल्ट्स में, लेकिन बच्चों में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। बच्चों इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत छोटा होता है, इनकी जो नसें जिसमें हम पंक्चर करते हैं पेसमेकर डालते वक्त, जो वेन होती है उसका साइज छोटा होता है, और वेन और आर्टरी जो दूसरी नस होती है वो बहुत पास पास होती है, और जहां पर हम पंक्चर करते हैं अगर आपने आर्टरी को हिट किया तो बच्चे को जो है वो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा, और बच्चे का आपको पता ही है इनका, इनको अगर ब्लीडिंग वहां से हो जाए तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसको हम लोग हिमोथोरेक्स बोलते हैं या हिमोमीडियास्टेनम, वो हो सकता है। दूसरा होता है ये जो वेन होती है ये बिल्कुल लंग टिश्यू के पास होती है, लंग टिश्यू के पास अगर हम कहीं लंग को पंक्चर किया तो लंग में हवा जमा होने का खतरा होता है, जिसको हम लोग निमोथोरेक्स बोलते हैं,
वो भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इन अ सेंस कि ये बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है ये प्रोसीजर, और जो ऊपर वाला है उसने, वो हमारे साथ था, उसने हमारी मदद की, सारा कुछ बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हो गया और बहुत ही फास्ट हुआ सारा कुछ जिसकी हमें जरूरत थी। दूसरा ये होता है, तीसरी चीज ये होती है, क्योंकि बच्चा ग्रो करता है, ये जो लीड हम डालते हैं पेसमेकर लीड, इसकी एक लेंथ होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है जी। और एक्चुअली प्रोसीजर भी इमरजेंसी में हुआ, एज सच बच्चों के लिए कोई फिक्स्ड लीड नहीं आती है कि हम छोटी सा, हम लीड यूजुअली बड़ी ही डालते हैं और उसका एक लंबा लूप रखते हैं, क्योंकि जो जो बच्चे की ग्रोथ होती है ना, इस ये लीड भी जो है ना, इसको भी लेंथ ज्यादा चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक हम बड़ा सा लूप बनाते हैं ताकि बच्चा जितना ग्रो हो जाए उतना ये जो है ना, इसको प्रॉब्लम नहीं हो जाए। अदरवाइज आप देखिए, अगर आप फिक्स जो है ना लेंथ की लीड डालेंगे तो बच्चा जो ग्रो हो जाएगा तो लीड खींचेगी, हार्ट से निकल आएगी बाहर, तो वो लूप भी अच्छे से रखना होता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, और इन सारी चीजों का ध्यान रख के हमने ये प्रोसीजर किया, और ऊपर वाला हमारे साथ था, उसने पूरी हमारी मदद की और बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक होके घर चली गई। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं एक बात ना, जो माँ बाप थे ऑब्वियसली 2 साल की बच्ची के लिए बहुत परेशान थे कि कहाँ जाएंगे, मतलब कोई उनको कह रहा था कि भाई एम्स चले जाओ, कोई कह रहा था कि पीजीआई चले जाओ, कोई कह रहा था दिल्ली चले जाओ। तो आप समझ सकते हैं कि एक गरीब सा बंदा, नंबर एक बात, दूसरा ये कि जब बच्ची बार बार बेहोश हो रही हो, उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो करे क्या, कहाँ जाए जी। तो ये बात जो है ना, इस बात ने हमें बहुत स्ट्राइक किया, इसको हेल्प करना चाहते थे, और मैं ये चाहता था कि इस बच्ची, ये बच्ची जो है जैसे भी हो किसी तरह से जम्मू में ही ठीक हो जाए, और बहुत ही कम, क्योंकि ये बाहर जाते जाते ना रास्ते में भी कहीं भी इसकी जान जा सकती थी, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, दैट इज वॉट वी वॉन्टेड। और ये जो है ना मैसेज, एक्चुअली इन सब चीजों की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी मैसेज यही है, मैं यही चाहता हूँ कि जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं, हमारे जो जम्मू के कार्डियोलॉजिस्ट हैं सारे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सारे कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू से पेशेंट्स का बाहर जाना ये भी बहुत कॉमन है जी। इसकी वजह ये है कि जम्मू में जो कॉम्प्लेक्स काम है वो बहुत कम होता है, तो जरूरत इस बात की है, ये सारी ये जिम्मेदारी हम सारे कार्डियोलॉजिस्ट पे बनती है कि ये कॉम्प्लेक्स काम जो है ये शुरू करें यहाँ पे करना, ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, खासकर जो गरीब मरीज होते हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी कम होती है, वो परेशान हो जाते हैं, बाहर जाना इतना आसान नहीं होता, इवन आपके पास पैसे भी हो उसके बाद भी आपको घर से बाहर जाना हो, अस्पताल को, मरीज को अस्पताल में एडमिट कराना हो, फिर वहां रहना हो, ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इन सब चीजों को, इन सारी परेशानियों को ठीक करने के लिए एक ही तरीका ये है कि हम यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, और हम लोग कोशिश करें कि ये जो गरीब मरीज हैं या जिनके पास पैसा भी है, सबकी मदद करें, इनको यहीं पे ठीक करने की कोशिश करें। डॉक्टर, जैसे आपने अभी बात की कि गरीब पेशेंट्स भी हैं जिनको ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज की जरूरत है, पर क्योंकि पैसा नहीं है, तो आप हमें बताएं कि इस टाइम पे गवर्नमेंट का इस और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, ताकि इस चीज का फायदा गरीब भी इक्वली उठा सके और वो पैसे की मार से जान ना गंवाएं, उस हिसाब से यूटी गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का अभी इस और क्या कदम रहा है, कैसा ग्रोथ रहा है उनका इस और? देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ये जो आयुष्मान स्कीम है इससे गरीबों की, मैं आपको बताता हूँ, इतनी मदद हो रही है। आपको मैं बताऊँ, अगर 4 साल पहले, मैं इस प्रोफेशन में बहुत साल से हूँ, करीब पिछले 15-20 साल से हूँ, तो जो हम लोग हाल देखते थे गरीब मरीजों का, पैसे नहीं, कार्डियोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मरीजों को ठीक होने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है जी। तो अभी जो गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान स्कीम हर एक के लिए यहाँ पे ला, इससे गरीबों की बहुत मदद हो रही है, चाहे वो हार्ट में स्टंट डालना हो, पेसमेकर डालना हो, सीआरटी इम्प्लांटेशन करनी हो, या हार्ट की सर्जरी हो, जो भी हो, या और सारे महकमे जितनी भी बाकी सारी चीजें हैं, चाहे वो सर्जरियां हो, जनरल सर्जरियां हो, कोई और सर्जरी हो, ये बहुत मदद हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, आपके पास आदमी चाहिए करने के लिए, है ना जी। आपको स्किल की जरूरत होती है, यू हैव टू टेक स्किलफुल पीपल, जिनके पास स्किल हो ये करने के लिए। आप 1 करोड़ रुपया रखेंगे लेकिन अगर बंदे को नहीं आता है, इंजेक्शन भी नहीं आता है, आप किसी, मैं बताता हूँ आपको सिंपल सी बात है,
आप किसी बहुत बड़े जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है उसको आप बोले भैया इसको एक इंजेक्शन लगा दो वेन में, वो नहीं लगा पाएगा इतने पैसे रख के भी। उसको एक आदमी चाहिए जो लगाएगा इंजेक्शन जी। और दूसरी बात यह है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और इस टाइम पे हमारे स्टेट में जम्मू कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बिल्डिंग हो, बेड्स हो या इक्विपमेंट्स हो, उनका क्या स्टेटस है? मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप कश्मीर और जम्मू, श्रीनगर और जम्मू का कंपैरिजन करें ना, क्योंकि मैं श्रीनगर में, मैंने सारी अपनी पढ़ाई लिखाई वहां से की है, बाहर से भी की है, मैक्सिमम काम मैंने वहां से किया है। अगर आप श्रीनगर और जम्मू को कंपेयर करेंगे ना, तो जम्मू का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है श्रीनगर के मुकाबले में, बहुत ज्यादा पुअर है इंफ्रास्ट्रक्चर। और कोई एक सिर्फ बिल्डिंगें बनाने से, रोड्स बनाने से कोई कौम जो है ना डेवलप नहीं होती है। आपको जो बेसिक एम्यूनिटीज होती है, जो लोगों को आगे बढ़ाना होता है, जिनकी ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ करनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, जिसके लिए मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। वाकई में इस बच्ची को या तो ऊपर वाला बचा सकता था या तो डॉक्टर, और यहाँ डॉक्टर ने इस मासूम बच्ची को जिंदगी तोहफे में दी। डॉक्टर ने ना ही सिर्फ बच्ची को जिंदगी दी, साथ ही इस बच्ची के माँ बाप को भी नई सांस, उम्मीद और खुशियाँ दी। डॉक्टर की ही मेहनत से एक माँ बाप अंधेरे के साए से रोशनी की ओर आ पाए। हम शुक्रिया अदा करते हैं सभी डॉक्टर्स का जिन पर हमारी जिंदगियाँ टिकी हैं। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।